नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल डंके की चोट पे में आपका तहे दिल से स्वागत है। और आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कहीं आप भी तो नहीं कर रहे ये गलतियां जिसकी वजह से निकल रहे हैं पिंपल्स के बारे में। इस वीडियो को लास्ट तक देखें। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अभी तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों हमारे YouTube चैनल डंके की चोट पे तुरंत सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल पर हम आपके लिए ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव जानकारी वाले वीडियो रोज लेकर आते रहते हैं। चेहरे पर पिंपल्स का आना एक आम बात है और ऑयली स्किन वालों को ये समस्या जल्दी हो जाती है। लेकिन क्या आपको पता है आपकी कुछ आदतें भी पिंपल्स की वजह बन सकती हैं? तो चलिए आपको बताते हैं कि ऐसी कौन सी 5 आदतें हैं जिनकी वजह से चेहरे पर पिंपल्स निकल आते हैं। ज्यादा मीठा खाना। मीठा खाने से भी चेहरे पर पिंपल्स की समस्या हो सकती है, इसलिए हो सके तो अपनी डाइट में मीठे का सेवन कम से कम करें। साफ सफाई से न रहना। बालों को साफ न रखना भी पिंपल्स की वजह बन सकता है। बालों को साफ न रखने से डैंड्रफ होने लगता है, जिसकी वजह से स्किन के पोर्स बंद हो जाते हैं और चेहरे और बैक पर पिंपल्स निकलने लगते हैं। जिम के बाद न नहाना। जिम के दौरान कई तरह के बैक्टीरिया हमारे शरीर पर जमा हो जाते हैं, ऐसे में जिम के बाद नहीं नहाने पर चेहरे पर पिंपल्स आने की आशंका बढ़ जाती है। मिर्च मसालेदार खाना। मसालेदार खाना स्वाद में लजीज होता है, लेकिन कुछ लोगों की स्किन में इस तरह का खाना खाने की वजह से इरिटेशन होने लगता है। अगर आपकी स्किन में भी इस तरह की कोई परेशानी हो रही है तो मसालेदार खाने को खाना तुरंत बंद करें, ऐसा खाना पिंपल्स की वजह बन सकता है। उम्मीद करते हैं आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर जैसी जगहों पर शेयर करना ना भूलें। और अगर आपके मन में इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी सवाल या सुझाव चल रहा हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना ना भूल, हम जल्द से जल्द जवाब देंगे। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं या अभी तक हमारा YouTube चैनल डंके की चोट पे सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि रोजाना हम आपके लिए ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी वाले वीडियो लेकर आते रहते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।